हेलो चलो ठीक है, सर। हाँ बाबू बोलिए नारायण। सर मेरे भैया भी ज्वाइन हुए हैं। किस क्लास के बाबू? शुभम रहे ना सर, नाइन्थ के हैं। किसके बाबू? नाइन्थ। नाइन्थ कर सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाइन्थ का सिलेबस हम पढ़ाते नहीं बाबू, फिलहाल अटेंड करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स पढ़ सकते हैं, है ना? सिलेबस नहीं हुआ है। नहीं बाबू, नाइन्थ का सिलेबस वैसे नहीं है हमारा, क्लास उस तरह से नहीं बाबू, स्कूल वाला क्लास नहीं है कि स्कूल में आपको एक क्वेश्चन बता के और ये किया जाएगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर, क्या पढ़ रहे थे बाबू, हम लोग क्या पढ़े बाबू, जो शर्ट्स है बाबू उसको असेंडिंग में बाबू मैंने शर्ट्स कंपेरिजन ऑफ शर्ट्स पढ़ा है ना, कंपेरिजन ऑफ शर्ट्स पढ़ा है, मतलब कहने का क्या सर? जैसे बाबू मान लो शर्ट्स है ये, ठीक है ठीक है शांति बाबू, ठीक है ये मान लो 5 है सर और ये बाबू 10 है, तो इसको इसमें भिजवाने जितना ग्रेटर बाबू भिजवाना। तो बाबू देखो, अगर बाबू यहाँ पे रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पे जो बड़ा था उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं, है ना? तो ऑर्डर और यहाँ पे जिसको रहा, यहाँ पे मान लो कुछ टाइम, जैसे यहाँ पे 2 हो गया सर, यहाँ 2 हो गया है ना, यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया है ना बाबू, ठीक है, यहाँ भी 2 हो गया सर, यहाँ भी 2 हो गया, ठीक, अच्छी बात है। तो बाबू क्या ये ऑर्डर हो गया और ये क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया। तो हम लोग बाबू शर्ट्स का कंपेरिजन तभी करेंगे बाबू जब मेरा ऑर्डर और कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और ध्यान देना, कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा क्या रखना बाबू? 1 रखना, कोफिशिएंट की वैल्यू 1 रखना है ना, कोफिशिएंट की वैल्यू 1 रखना और ऑर्डर क्या रखना? सेम रखना, तब हम लोग शर्ट्स को इजिली कंपेयर कर देंगे, है ना। तो पहला का जो बेसिक क्वेश्चन था वो जैसे मान लो सर, जैसे सर क्या है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो इसमें कौन बड़ा होगा? तो यहाँ नहीं कुछ ऑर्डर मेंशन है तो क्या है सर? ऑर्डर 2 है। यहाँ नहीं कुछ मेंशन है तो ऑर्डर 2 है, तो इसमें कौन बड़ा? तो जो शर्ट्स के अंदर जो नंबर बड़ा होगा वो शर्ट्स क्या होगा? ग्रेटर होगा। ऐसे इनका बता दिया सबसे स्टार्टिंग में, यही बच्चा वाला बताए थे। उसके बाद आपको हमने क्या बताया बाबू? हमने आपको क्या बताया कि सर मान लो यहाँ 5 आ जाए और यहाँ बाबू मान लो यही सर यहाँ पे कितना है सर? 10 है, ठीक है सर। और यहाँ ऑर्डर मान, यहाँ कोफिशिएंट 3 है सर, यहाँ कोफिशिएंट 2 है ना। तो अब कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ आ गया, तो अब इसमें कंपेयर करेंगे सर बड़ा कौन हो जाएगा, सर बड़ा कौन हो जाएगा, है ना। तो किसको, इसको कैसे करोगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हमने कैसे बताया था, कैसे बताया था? यहाँ नहीं कुछ ऑर्डर है तो क्या बाबू? 2 है। यहाँ ऑर्डर नहीं कुछ मेंशन है तो 2 है। तो इस 3 को शर्ट्स के अंदर लेके जाओ, इस 3 को क्या करो? शर्ट्स के अंदर लेके जाओ। तो शर्ट्स के अंदर लेके जाओ बाबू, तो क्या है सर? ये 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 है बाबू। इस बाबू शर्ट्स को अंदर लेके जाओ, ये जो कोफिशिएंट उसको अंदर लेके जाओ, है ना बाबू, ठीक है सर। तो यहाँ सर 10 हो जाएगा, आइए अंदर जाएगा बाबू तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। लेकिन लेकिन एक काम और करना, एक काम, इस 3 को अंदर लेके गया बाबू, एक इस 3 को क्या किया? अंदर लेके गया। तो यहाँ जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है? 2 है सर, ऑर्डर 2 है। तो यहाँ पे बाबू ये यहाँ पे जिस 3 को अंदर लेके गए ना, तो जो ऑर्डर है बाबू वही इस पे पावर राइज कर देना, तब आपका क्या होगा? सही होगा। अदरवाइज बाबू आपका गलत हो जाएगा। इस 2 को अंदर लेके गए सर, तो यहाँ ऑर्डर क्या है सर? 2 है सर। तो यहाँ पे पावर राइज 2 कर देना, ठीक। नाउ बाबू, नाउ बाबू इसको मल्टीप्लाई करो, नाउ बाबू इसको मल्टीप्लाई करो। ये सर क्या है सर? रिकैप करवा रहे हैं ना, ये सब हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो 3 रेज टू द पावर 2, व्हाट वी गेट बाबू? 9, और 9 मल्टीप्लाई 4 5 45 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू 2 रेज टू द पावर 2 कितना सर? 4 सर, और 4 मल्टीप्लाई ये कितना? 14 हो जाएगा। अब बाबू नाउ बाबू वी कैन इजीली कंपेयर। यहां क्या हो गया सर? देखो कोफिशिएंट 1 हो गया सर, कोफिशिएंट 1 हो गया सर, ऑर्डर सेम हो गया सर, ऑर्डर सेम हो गया। नाउ बाबू वी कैन कंपेयर, वी कैन बाबू इजीली कंपेयर दीस टू सर्स बाबू, व्हिच वन इज द ग्रेटर सर? 40 या 45? 45 वन इज द ग्रेटर सर, दैट्स व्हाई बाबू ये वाला सर्स यहां ग्रेटर हो गया। तो पहले देखो स्क्वायर रूट 5 था, स्क्वायर रूट 10 था, तो कोफिशिएंट नहीं कुछ था तो ये बड़ा हो गया। अच्छा कोफिशिएंट यहाँ 3, अरे छोड़ो बाबू, कोफिशिएंट यहाँ 3 डाल दिया सर, 3 डाल दिया, तो अब ये वाला शर्ट्स बड़ा हो गया, ये वाला शर्ट्स बड़ा हो गया है ना, ये वाला शर्ट्स क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये सब हम करवा चुके हैं, ये सब करवा चुके हैं ना बाबू। अब क्या सर? अब हम लोग अगला टाइप क्या पढ़ा रहे बाबू? ऑर्डर यहाँ सेम नहीं हुआ अभी तक, जो भी इसमें क्या था, ऑर्डर 2 था सर, यहाँ पे ऑर्डर सेम था सर, अब ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे ना बाबू, सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे ना, वो हम देख रहे हैं ना बाबू, उसी टाइप का आगे हम करवाते हैं ना, ठीक है सर। तो उसका कल एक एग्जाम्पल करवाए थे, कल करवाए थे, उसी में बाबू हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो 15 नंबर तक हो गया था बाबू। नारायण, नारायण सर 70 नंबर से स्टार्ट होगा सर, व्हेन ऑर्डर इज नॉट सेम। 70 से, चलो वेरी गुड बाबू, ऊपर रहते हैं, व्हेन ऑर्डर इज नॉट सेम। अरे हमारे सियोना ऐसा स्वामी, आज स्वामी होमवर्क क्यों नहीं बनाए हमको, फोन आया था कि आप होमवर्क नहीं। हाँ बोलिए क्या सर? होमवर्क क्यों नहीं बनाई बाबू? हाँ बोलिए ना, चलो ठीक है मत बोलो, पापा ही फोन लगाते हैं आज, कहना एकदम पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, एकदम 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 ये हो गई एकदम।
थ्री है बाबू, यहाँ टू है सर। अनम्यूट यहाँ पर करके फिर वीडियो बंद कर दी। यहाँ थ्री है, यहाँ टू है, ठीक है बाबू, ठीक है, करवा दिए बाबू? यस सर, तो करवा चुके हैं। अच्छा करवा चुके हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ फोर कर दो बाबू, और यहाँ बाबू क्या कर दो, यहाँ फोर कर दो, तो यहाँ बाबू टू कर दो, हो गया सर। टू लिखना जरूरी है सर, डायरेक्ट फोर नहीं लिख सकते सर। यहाँ बाबू नहीं कुछ मेंशन करोगे तो यहाँ टू है, टू लिखो चाहे नहीं लिखो बात बराबर बाबू, आपको समझाने के लिए टू लिखते हैं। अब देखो बाबू क्या, अब इसमें कहेगा सर कौन सा शर्ट्स बड़ा बाबू, कौन सा शर्ट्स बड़ा, तो यहाँ ऑर्डर बाबू थ्री है, यहाँ नहीं कुछ मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट क्या बाबू टू है, तो यहाँ ऑर्डर थ्री यहाँ टू है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे सर, कैसे कंपेयर करोगे बाबू कौन सा शर्ट्स बड़ा है कौन सा शर्ट्स बड़ा है? तो बाबू क्या करना, पहले बाबू यू हैव टू मेक द बाबू ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम है ना, तो हम लोग कैसे करेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे, ऑर्डर जो है बाबू एलसीएम लेंगे, तो यहाँ इस ऑर्डर का एलसीएम ले लो, टू थ्री का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम बाबू, एलसीएम ऑफ बाबू, एलसीएम बाबू टू थ्री का कितना हो जाएगा सर, सिक्स हो जाएगा। इसमें तो हमारे बच्चे एकदम देख के एकदम फटाफट, बाबू आप नाइन का स्टूडेंट रहे चाहे टेन का रहे, किसी के सामने खड़ा हो जाओ बाबू कोई दिक्कत है, डरना मत सर। बॉलर आ रहा है, क्या नहीं जा रहा प्रकाश सिंह सर? बोल रहे बॉलर आ रहा है, बॉलर आ रहा है सर। नहीं सर, कितना बढ़िया दिख रहा है, चलिए ठीक दिख रहा है। सोना सौम्या बाबू वीडियो ऑन कीजिए ना, सौम्या वीडियो ऑन करो बाबू, सौम्या वो तो लेफ्ट हो गई, लेफ्ट हो गई शैतान, गुस्सा से लेफ्ट हो गई। अच्छा चलो ठीक है, आ जाएगी आ जाएगी। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू देखो एलसीएम कितना लोगे सर, सिक्स हो गया था बाबू, यहाँ पे क्या करो ऑर्डर को सिक्स बनाओ, फोर है सर यहाँ पे ऑर्डर बाबू एलसीएम, इसको सिक्स बनाओ, तो सिक्स कैसे बनाओगे सर, टू है सर, टू है सर, इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे, थ्री से मल्टीप्लाई करो, मेरा सिक्स हो जाएगा है ना बाबू, सिक्स हो जाएगा, ठीक है सर, अच्छी बात है, तो टू मल्टीप्लाई थ्री। नेक्स्ट बाबू एक शर्ट सी है सर है ना, ये टू है सर, अब थ्री है बाबू, तो इसको सिक्स बनाओ, तो थ्री में क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे सर, क्या चीज से मल्टीप्लाई करो बाबू, थ्री में किससे मल्टीप्लाई करोगे, टू से, ठीक ठीक सर, ये तो बात समझ में आता है ना बाबू, यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया सर, थ्री में, थ्री से सर। अब जितना नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ठीक है बाबू, तो शर्ट्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा बाबू, तो मेंटेन कैसे होगा, कैसे होगा, जितना यहाँ ठीक है यहाँ से बाबू, अरे शैतान चुप रहो ना, जितना यहाँ मल्टीप्लाई करो उतना यहाँ पे पावर राइज कर देना, अंदर जो रेडिकेंट रहेगा उतना पावर राइज करना, यहाँ टू से मल्टीप्लाई करते इस पर पावर कितना कर देना, टू कर देना। नाउ बाबू यू कैन सिंप्लीफाई दिस टू शर्ट्स बाबू, थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स, फोर एस टू पावर थ्री, सिक्सटी फोर। नाउ बाबू थ्री मल्टीप्लाई टू व्हाट वी गेट बाबू, सिक्स, टू एस टू पावर फोर, पावर तीन और दूसरे में पावर दो क्यों चढ़ा है? अरे बाबू ऑर्डर, ऑर्डर अगर डिफर है शैतान, तो ऑर्डर आपको सेम करना, यू हैव टू मेक द सिमिलर ऑर्डर बाबू, सेम ऑर्डर है ना, तो यहाँ ऑर्डर टू है, चार पर तीन और दो पर पावर दो क्यों बाबू? यहाँ ऑर्डर बाबू, यहाँ पे अगर मान लो थ्री से मल्टीप्लाई था ऑर्डर, इसका चेंज कर दोगे बाबू, चेंज कर दो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो जब यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई के ऑर्डर में बाबू, तो जो भी यहाँ नंबर रहेगा उस पर पावर थ्री चढ़ा देना, जितना ऑर्डर से मल्टीप्लाई करो, तो जितना ऑर्डर है बाबू, जितना आप ऑर्डर रहेगा उतना बाबू पावर उस पर राइज करना है। कहा से हो रहा शैतान? हाँ संजना कुछ नहीं दिख रहा बाबू, सर कुछ नहीं दिख रहा, ब्लर बहुत दिख रहा है सर, ब्लर बहुत आ रहा है सर, वीडियो भेज दीजिएगा। हाँ प्रकाश सिंह, कुछ नहीं दिख रहा सर। शर्मा सर, उनका नेटवर्क खत्म हो गया होगा सर, मेरा तो पूरा क्लियर दिख रहा है सर। आपका नारायण सर, थोड़ा सा ब्लर तो दिख रहा है सर, थोड़ा सा ब्लर, कुछ भी ब्लर नहीं दिख रहा, सब सही है सर, कोई भी ब्लर नहीं दिख रहा, क्लियर तो दिख रहा है। देखो बाबू बात समझो, अगर मेरे साइड से इशू रहेंगे बाबू, तो सारे स्टूडेंट का इशू रहेंगे है ना बाबू, किसी एक दो का हो रहा बाबू, तो आपके साइड से नेटवर्क इशू है। जीवितेश दिख रहा बाबू? जीवितेश हमको जीवितेश बताएगा, पूरे क्लियर दिख रहा है। हाँ बाबू मतलब क्या सर, क्लियर है मतलब, आप लोग थोड़ा बाबू आप लोग क्या करो, जिसका जिसका क्लियर नहीं दिख रहा बाबू, हाँ क्लियर, जिसका नहीं बाबू फ्लाइट मोड ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो ऑफ करो, हो जाएगा क्लियर। कितना बार सर? संजना क्लियर है बाबू? यस सर। चलो ठीक है बाबू, पढ़ते आप लोग, खाली नौटंकी करते, पढ़ने का नहीं मन, ठीक हो? तो ये बाबू क्या हो गया, सिस्टम देखो, यहाँ ऑर्डर सेम हो गया बाबू, ऑर्डर सेम हो गया, कोफिशिएंट क्या हो गया, वन हो गया, तो ऑर्डर को सेम हो गया, कोफिशिएंट सेम है बाबू। अब बाबू नाउ बाबू वी कैन इजीली कंपेयर दीज टू सर, तो 64 अपॉन में बीच में इज द ग्रेटर, हो 64 ग्रेटर, तो 64 किसका कोरेस्पोंडिंग साइड से सर, इस साइड से कोरेस्पोंडिंग है, तो इसलिए बाबू स्क्वायर रूट है बाबू 4 इज ग्रेटर देन बाबू स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ बाबू 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है।
ठीक है, जल्दी से राइट डाउन करो। एलसीएम, अगर हम सर एलसीएम नहीं लेते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दोनों का ऑर्डर सेम कर देते हैं तो गलत हो जाएगा? नहीं शैतान, नहीं शैतान गलत नहीं, लेकिन हमको समझाना ना बाबू, समझाना है ना कैसे करोगे बाबू, बाद में काफी पढ़ोगे तो कैसे होगा, समझाना। वीडियो भेज दीजिएगा, वीडियो भेज दीजिएगा, ब्लैक दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा है। अरे बाबू तो फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ करो ना। किए सर, तो आउट खराब हो गया। अच्छा बाबू ठीक है, चल भेज तो देंगे, वीडियो तो हमेशा भेजते हैं ना, ये भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लीव करके फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ सर, उनका नेट खत्म हो गया होगा सर, उनका नेट खत्म हो गया। डाटा बच रहा प्रकाश सिंह? हाँ सर, अभी दो क्लास पर, दो क्लास पर। ठीक है बाबू, 7:30 बजे आइए प्रकाश सिंह, जल्दी से लिखो बाबू, जल्दी से लिखो। इसमें कौन सा बड़ा होगा सर? 70-80 नंबर बाबू, अभी अब बच्चा बच्चा बोल रहा है, इसमें बाबू तीन चार बोलेंगे है ना, 4-3 है बाबू, ठीक है, और बाबू 3-4 है, बीच वन इज द ग्रेटर, 3 इज द बाबू ऑर्डर, बता। सर पहला वाला बड़ा है सर, सर पहला वाला बड़ा है, पहले वाले में 48 का क्यू आता है तो वही बड़ा है, और इसमें 4 का स्क्वायर आता है। हाँ सर, 48 का क्यू ही बड़ा होगा सर, 4√3 बड़ा होगा, देखते हैं बाबू, स्टेप बाय स्टेप आप लोग सिंपलीफाई करो, है ना, समझ में आ जाएगा, सही है ना। देखते बाबू, आप लोग अपने बाबू फ्रेंड से पूछते रहना, वो सब तो बाबू दर्शनों ने किया होगा, इस सब का बाबू आप लोग का जो भी लेवल है इस लेवल पे तो दर्शन भी ना किया होगा, बताना तो दूर की बात है। चलो बाबू लिख लिया आप लोग, इरेज कर रहे हैं शैतान, एक मिनट सर, जल्दी करो शैतान, जल्दी करो बाबू। शैतान जल्दी कीजिए बाबू, सर 4√3 ज्यादा बड़ा होगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है शैतान? यस सर, दोनों का ऑर्डर सेम है। इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे ना, दोनों का ऑर्डर सेम है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, डिफरेंट तो है। फिर लेके गएंगे ना वहाँ पे, क्या बोलते हैं अंदर में, कभी वो रूट फटे हो जाएगा, आपको को 3√4 रहेगा, दिल से ले लेंगे, 3 हो जाएगा। चलो ठीक है, देखो बाबू कैसे करना, क्या 4√3 है बाबू, 4√3 है बाबू, 4 × √3 है, और क्यूब रूट बाबू 4 है, क्यूब रूट ऑफ 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम फंस गए सर, अरे शैतान मान लो यहाँ 4 नहीं रहता तो सिंपली क्या कर देते, इसको तो सिंपलीफाई कर देते, 2-3 का एलसीएम ले लेते, यहाँ कोफिशियंट में सर 4 आ गया, ये तो हमको भी डाउट दे दिया बाबू, है ना बाबू, ये तो हमको टेंशन दे रहा है सर। देखो कैसे सोल्व करना बाबू, कैसे सोल्व करना शैतान मेरे, तो पहले बाबू यहाँ पे कोफिशियंट बाबू, इसको 4 को अंदर डालो, तो बाबू 4 को अंदर लेके जाओ, तो 4 को अंदर लेके जाओ तो क्या होगा स्वामी, बताओ बाबू, 4 × 3 यहाँ पे क्या आएगा, इसके सर पे 4 के सर पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्यों स्क्वायर आएगा सर, बाय बिकॉज बाबू ऑर्डर 2, इट हैज बाबू ऑर्डर 2, दैट्स व्हाई बाबू यहाँ पे स्क्वायर आएंगे, है ना, ठीक है सर। नाउ बाबू ये क्यूब रूट है बाबू 4 है ना, क्यूब रूट ऑफ 4 है ना, अब बोथ बोथ साइड्स बाबू हैव सेम कोफिशिएंट, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 सर, यहाँ भी कोफिशिएंट 1, एगो काम तो हो गया मेरा, एगो काम हुआ ना बाबू, हाँ सर एगो तो काम हो गया, ठीक है। नाउ बाबू बी विल बाबू, बाबू बी 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 विल बाबू, अति मे बी बाबू मे, नाउ बाबू बी विल मेक द कोफिशिएंट बाबू सेम, हमको क्या करना, ऑर्डर ऑफ बाबू सेम करना, ऑर्डर सेम करना है ना, यहाँ से बाबू हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, बी डायरेक्ट बी बाबू, बी कैन नॉट कंपेयर बाबू डायरेक्टली बाबू, है ना डायरेक्ट, तो यहाँ क्या ऑर्डर 2 है सर, यहाँ ऑर्डर 3 है, तो इसको बाबू नाउ बाबू यू हैव टू बाबू मेक द ऑर्डर सिमिलर इन बाबू बोथ साइड्स, तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे शैतान, एलसीएम लोगो किसका सर, एलसीएम और बाबू 2-3 का एलसीएम लोगो तो कितना आ जाएगा सर, 2-3 का एलसीएम हमारे सारे बच्चे जाते हैं, 6 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी 6 बनाओ और यहाँ भी 6 बनाओ सर, आप सिर्फ 2-3 क्यों दे रहे हैं सर, कुछ और दीजिए ना, अरे बाबू 12 नंबर देंगे बाबू तो फिर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, बात समझो ना, मान लो 6 बन ले लेंगे बाबू तो मल्टीप्लाई करने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्वेश्चन सोच के तैयार किया जाता है ना बाबू, मल्टीप्लाई करते रहो, कंसेप्ट समझो,
कंसेप्ट समझो, ठीक है ना, अप्रोच समझो। नेक्स्ट बाबू, तो इसको सर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो बाबू, 4 × 16 = 48 हो जाएगा, या 48 हो जाएगा। ठीक है सर, अंदर क्या हो गया, 48 हो गया बाबू। ये क्या है सर, 2 है सर। नेक्स्ट बाबू, ये 4 है बाबू, यहाँ पे क्या है, 3 है ना। नाउ बाबू, वी हैव टू बाबू मेक द बाबू ऑर्डर 6, 3 6 एंड बाबू, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम 6 आया था, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। नाउ जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 का क्यूब करो, ठीक ना वो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ बाबू यहाँ स्क्वायर करो, जितना ऑर्डर से मल्टीप्लाई करो उतना यहाँ स्क्वायर, वहाँ बाबू उतना पावर चढ़ा देना, ठीक। नाउ बाबू, वी कैन बाबू इजिली कंपेयर 6 बाबू और 48 का क्यूब। नाउ बाबू, ये बाबू ऑर्डर 6 हो गया सर, और ये 16 हो गया, है ना, ठीक है सर। अब बाबू देखो, कोफिशियंट भी 1 सर, ऑर्डर भी सेम सर, बोथ सेट सर बाबू हैव सेम कोफिशियंट एंड सिमिलर ऑर्डर। नाउ बाबू बी बाबू वी विल बाबू कंपेयर दीज 2 सेट्स। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है सर, अरे शैतान क्यों मल्टीप्लाई करके थकोगे, जब 48 का क्यूब आएगा वो तो डेफिनेटली 16 से तो बड़ा ही आएगा ना, 48 मान लो क्यूब भी नहीं रहता तो 48 है, बीच वाली बीच चीज बाबू ग्रेटर देन द 16, तो डेफिनेटली बाबू ये सेट्स मेरा क्या है, ग्रेटर है। तो ये सेट्स किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, तो इसलिए कौन सा बड़ा हो जाएगा बाबू, इसलिए बाबू 4 हो जाएगा सर। आप लोग ऐसे करके कैसे बनाए थे शैतान, ऐसे खाली आंख मूंद के बोल दिया, सब आंख मूंद के खाली बोल दिया था सर, राइट ऑन हम भी छोड़े थे। 48 का क्यूब मल्टीप्लाई करके बाबू वो सब, अब देखो मल्टीप्लिकेशन ये सब बच्चा वाला चीज है, एलकेजी वाला मल्टीप्लिकेशन आएगा, 48 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, उसमें टाइम काले बर्बाद, है ना, कंसेप्ट समझे, मल्टीप्लिकेशन एडिशन अभी सब आता है ना, उसमें हमका ऐसा थोड़ी कि मल्टीप्लिकेशन है, 48 मल्टीप्लाई करके से नहीं करोगे, हमको करने की जरूरत ही नहीं, हमको साफ दिख रहा है कि कौन बड़ा है। जल्दी कीजिए बाबू, जल्दी कीजिए, देखो थकाने वाला क्वेश्चन दे आप लोग को, कहते हो ना बड़ा नहीं होता है, देखो बाबू थको तो थोड़ा सर, लिखने दीजिए पहले थोड़ा सा, थको मल्टीप्लाई करके थको, जीवितेश पहुंच गए बाबू, चलिए ठीक है। तो जो आप बाबू ये छूटता था उसको लिखते भी जाके हो कि ऐसी खाली रह जाता मोबाइल में, नहीं सर सर लिखते हो, अच्छा ठीक है, आपके मम्मी से पूछ लेंगे, बच्चे बाबू आप लोग खाली बच्चे हो मन के सच्चे, कहने के मन के सच्चे हो, लेकिन किसी का मन सच्चा नहीं है बाबू, सब शैतानी कुरफात खोजते हो, करने से मेरा टाइम बचे, और सबसे ज्यादा कुरफात हमारी सौम्या, उसको तो समय बचने का ये बहाना चाहिए, इमोशन में तो कहिए मत, है ना सौम्या बाबू, नहीं सर, हाँ बाबू तो हम बार क्यों नहीं की मेरे बाबू, बताइए सौम्या प्यारी से दुलारी से, सौम्या क्यों नहीं की, ये मासूम चेहरा के पीछे कितना बड़ा शैतान है पता है आपको, क्या बाबू सौम्या, सिर्फ आज ही सर, अच्छा बाबू चलिए ठीक है, ठीक है लिख लिया बाबू, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट करो इसको, आप लोग थको तो थोड़ा बहुत कह रहे सर, भड़का दीजिए तो, काहे थके सर, 19 नंबर, 19 नंबर बाबू, क्या है सर, 3 है बाबू, ये 3 मल्टीप्लाई में है सर, 3 बाबू यहाँ पे है कोफिशिएंट में और यहाँ 3 है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू एक दूसरा सेट है सर, क्या है सर, 4 है बाबू और यहाँ पे बाबू कितना है, 3 है, ऑर्डर यहाँ कितना दिया बाबू, 4 दे दिया ऑर्डर, यहाँ 4 दे दिया, 3 3 3 या 4 4 3 है, करो थको आप लोग, बड़ा नंबर लेने से यही होता बड़ा है सर, 256 मल्टीप्लाइड बाय 3 आता है और इधर बस 27, नो सर, अरे शैतान इतना मर मरेंगे ना, ऑर्डर सेम है, एकदम एकदम अकबका जाता है, अकबका जाता है, यस सर, पहला ऑर्डर सेम करो शैतान, ऑर्डर सेम रहेगा तो ना बाबू, पहला ऑर्डर सेम कीजिए, ये सब तो बाबू आपको हम कहते हैं ना बाबू, 9th 10th में किसी स्टूडेंटों का ना पता होगा, पूछेगा 9th 10th वाला के भैया ये बताइए तो कौन सा बड़ा, आंख मुन के बोल देगा कि हाँ दो में वो है बाबू, तो 50% प्रोबेबिलिटी है,
सही होने का है ना, तो एक में कोई बोल देगा हो गया सही तो हो गया। थकिए आप लोग सर, सेकंड नंबर बड़ा होगा इनटू फोर रूट थ्री होगा, सेकंड नंबर ही बड़ा होगा, फोर मल्टीप्लाई बाय फोर रूट थ्री बड़ा है सर। देखते हैं बाबू देखिए बाबू सॉल्व करते हैं सर, फोर इंटू फोर रूट थ्री ज्यादा बड़ा होगा बिना ऐसे आने, ये बोल रहे हैं ना ये बाबू, उसको क्या बोलते हैं बाबू तुक्का मार रहे हो। सर आपका नेटवर्क थोड़ा येलो आ रहा है, हेलो आ रहा हो जाएगा भाई टेंशन मत लो। सर हम अपना आंसर चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट वाला बड़ा होगा। हाँ बाबू दुगो तो है ही है बाबू, जय माता दी है, जय माता दी भी दिक्कत क्या, दुगो का तो ऑप्शन है सर, कौन सा वाला फाइनल है, दूसरा वाला ही बड़ा होगा। जय माता दी है सर, जय माता दी भी सर, गलत इसके सिवा थोड़ी कुछ है। देखो सैतान पहले आप क्या करो बाबू, पहले कोफिशिएंट को मेंटेन करो, तो थ्री को अंदर भेजो यहाँ पे, फोर को अंदर भेजो यहाँ पे, ये थ्री हो गया बाबू, थ्री अंदर जाएगा तो थ्री मल्टीप्लाई थ्री का आएगा, थ्री पे कौन सा पावर आएगा बोलिए बाबू जीवितेश, क्यूब 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 आएगा, क्या बताया जीवितेश, अब फोर यहाँ फोर आएगा, फोर पे कौन सा, फोर पे फोर आएगा सर, फोर पे पावर फोर, फोर आएगा सर, जो ऑर्डर आएगा सर वही पावर, वाह मेरी संजना वेरी गुड। नाउ बाबू यू कैन मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं आप लोग, तीन तिया नोती है 27, ऑर्डर थ्री बाबू तीन तिया नोती है 27, 81 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो बाबू, चार को चार टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो फोर मल्टीप्लाई फोर, ऐसे करो सीता, फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर, 2 × 4 = 16, 256 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 256 हो जाएगा है ना। अब बाबू मल्टीप्लाई फिर थ्री करोगे, फिर मल्टीप्लाई थ्री है तो छोटिया 18 पांचिया 15 16, छोटिया पांच 16 और तीन दुनी 6 = 7, 768 हो जाएगा। अभी आप नहीं कह सकते बाबू कि कौन सा बड़ा होगा, ये हम लोग एक एक 81 है, ऑर्डर अगर सेम रहता शैतान ऑर्डर सेम रहता शैतान ऑर्डर सेम रहता अगर आप करके देखिए ना ठीक है, ऑर्डर सेम नहीं ना बाबू, ऑर्डर सेम रहेगा तब ना कह दोगे सर की बोला बड़ा है, यहाँ ऑर्डर 4 है यहाँ ऑर्डर 3 है, तब नहीं कंपेयर कर सकते बाबू, तो ऑर्डर सेम करो बाबू, ऑर्डर सेम करो, तो 4-3 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लो 4-3 का हेलो एलसीएम बाबू, यहाँ 3 है सर और यहाँ क्या है सर 4 है तो 12 हो जाएगा है ना, ठीक है। अब इस जो ये रेडिकल साइन बाबू इसको भी 12 बना, ये 3 हो गया सर, 12 कैसे होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 81 हो गया, इसको भी 12 बना बाबू, तो 4 है सर, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सर 3 से, और ये 768 हो गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पावर को आपको 4 चढ़ाना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया हो तो यहाँ पावर 3 चढ़ाना पड़ेगा, तो सर सर 4 रूट तो 4 3 तो बड़ा होगा ना, नाउ ऑर्डर आपका ऑर्डर बाबू सेम हो गया 12 हो गया और 81 का पावर 4 हो गया, यहाँ ऑर्डर क्या हो गया बाबू 12 हो गया और 768 का पावर बाबू 3 क्यूब हो गया, क्यूब बड़ा, अब आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके थको, 81 को 4 बार मल्टीप्लाई करो और 763 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, अच्छा को उसके बाद देखो बड़का छोटका कौन है, समझ में आता है बात, हम रिजल्ट लिख देते हैं बाबू, ठीक है ना रिजल्ट लिख देते हैं,
81 रेज़ टू द पावर बाबू कितना है सर? 4 है सर, 4 करोड़ सर, 30 लाख ऐसा कुछ आ रहा सर 81 पे पावर 4 का। हाँ बाबू कुछ कुछ वैसा आ जाएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा बाबू, ऑर्डर 12 है सर। सर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है सर। 430 बाबू, 46 बाबू, 721। हाँ बाबू नेक्स्ट बाबू, इसको जब सॉल्व करोगे सर 768 का सर कुछ 4 करोड़ 45 करोड़। अच्छा बाबू देख रहे हैं, देख रहे हैं शैतान, 4-5 बाबू, 4-5-2-9-8 सर, 298 बाबू, 298 4832 4832। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ डिजिट इसमें क्या है, 2-2-4-2-6-2-8 एक 9 गो इसमें, तो डेफिनेटली बाबू ये वाला क्या हो गया, सेकंड वाला बड़ा हो गया सर देख के। अरे नंबर ऑफ हमने बोला था सेकंड वाला बड़ा है, राइट डाउन कर बाबू, राइट डाउन कीजिए, तो मेरा सेकंड वाला सेट क्या बाबू बड़ा है, इतना बड़ा है, बड़ा क्या है सर, मल्टीप्लाई तो करना है सर। कौन बोला आपको ऐसा वाला लेने के लिए, था आने वाला क्वेश्चन था सर। सर लेकिन मल्टीप्लाई करने का क्या जरूरत था, 768 का क्यों देखने से नहीं लग रहा था कि वो बड़ा है? हाँ बाबू क्या कहते रहा हूँ, लेकिन अरे सुनन देखो यहाँ भी क्यूब रहा था और यहाँ भी क्यूब रहा था बाबू, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पावर 4 है। नेक्स्ट बाबू, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो गया सर, बड़ा हो गया। सर आपका साउंड बहुत एको कर रहा है, किसी का ऑन अनम्यूट है बाबू इसीलिए एको कर रहा है, सारे म्यूट कर लो, इको नहीं करेगा। शुभम बाबू म्यूट कीजिए, शुभम आप लोग का अनम्यूट रहता है। हाँ बाबू चलो ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बाबू आप अपने फ्रेंड से क्या दूर दूर तक 11-12 से पूछोगे वो ना बता पाएगा, जिन्हें कोई पढ़ाया ही नहीं जाता बाबू, कंपैरिजन ऑफ सेट्स बताया ही नहीं जाता, सब ग्रेजुएशन करता ना वहां बताता है। सच्ची सर इतना आगे बताता है? हाँ बाबू नहीं विश्वास होता था पूछना ना, 11-12 रहे 10th के अपने फ्रेंड सबसे पूछना सर, मिलेगा तब ना, मिलेगा तब बाबू, मिलवे करेंगे रिलेटिव में। नेक्स्ट बाबू, अब आप लोग बाबू, अब बाबू असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज करो, तो ये तो 2 गो था सर, मान लो 3 गो रहेगा, तो इरेज कर रहे हैं, जल्दी से लिखे बाबू इरेज कर रहे हैं सर, जो जो काम 2 के साथ कर रहे थे वही 3 नंबर के, हाँ 3 के साथ, अरे बाबू देखो, अरे बाबू देखो पता नहीं आप लोग के साथ अनम्यूट कैसे, आप लोग अनम्यूट करो बाबू, तो ये साउंड मेरा इको कर रहा है सर, आदित्य नारायण सर बहुत इको कर रहा है। हाँ शैतान, आप लोग म्यूट मेरे यहाँ नहीं कर रहे सर, सबका अनम्यूट है सर, ठीक है सबका म्यूट रहेगा तो नहीं करेगा सर, अब नहीं कर रहा। हाँ हमको पता हो जाएगा सही, अभी बीमारी इतने बीमारी सब सही हो गए बोलते, ये सब कौन सा बीमारी। नेक्स्ट इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ज्यादा गीला हो गया, और इसमें पानी थोड़ा सा भी नहीं पच पाता। क्या क्या है सर, क्या क्या है क्वेश्चन नंबर बाबू, कितना होंगे क्वेश्चन नंबर शैतान? 20 नंबर होगा, 20 20 सियोना हो बाबू, सर 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 एको कर रहा है, अभी को नहीं करेगा, चुप रहिए नहीं करेगा। 2-3-3-5
और 4 12 अरेंज करो।